ओम शांति। 29 जनवरी 2020 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, अपने आप को राजतिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पहला, अपने आप को राजतिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं, उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। दूसरा, फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है, मन मना भव। इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। आज का गीत है। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो दो बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में हैं। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा हैं। दो का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। यह एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ ना कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी हैं। ये रियल अक्षर हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए यह कहना ठीक है। पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं। यह नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। यह ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल यह सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वे भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने। कैसे स्थापन करते हैं वह नहीं जानते। यह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला न सके। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो, परोपर ऐसे है ना। मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है।
भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, ये है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। यह बाप सबकी दिल लेने वाला है, जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, ये फिर है चैतन्य दिलवाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है, दिलवाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला। कितना ऊंचते ऊंच गाया हुआ है, ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है, वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। वे तो भक्ति करते नहीं, भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी कर सकते हैं। वे हैं ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी, जैसे यह आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वे बाप को तो याद करते नहीं, न उनको यह महामंत्र मिलता है। यह महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो, अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती है ना, सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता, सत्युग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, उसका नाम ही है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता, बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और किचड़ पट्टी नहीं होती। वहाँ साइंस से बहुत सुख है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है, सत्युग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहाँ तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। बॉम्ब्स आदि ये सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं, बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, फिर खुद बनाते रहते। समझते भी हैं इन बॉम्ब्स से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं, तो बुद्धि मारी हुई है ना। ये सब ड्रामा में नोंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगर रह नहीं सकते, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नोंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइस दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सत्युग में है बेहद की संपत्ति, वहाँ तो दूध की नदियाँ बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, यह भेंट की जाती है। कहाँ वह क्षीर सागर, कहाँ यह विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। ये है गुड़ियों की पूजा, कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। अभी तुम
किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, वह है जड़, ये है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट पतित है। क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं, वहाँ गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरें, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है। ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वे सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं। अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने अर्थात ब्रह्मा ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे। नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजाई नहीं स्थापन होती है। अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, हम वार ही जाएंगे। इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16108 में, पास विद ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाप कहेंगे ये सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ यह मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको यह मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी हैं जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा ये प्रश्न नहीं उठ सकता। ये तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें यह अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं, स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में यह राज तिलक है, फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। ये है मन मना भव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। ये है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना, पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग उतनी धारणा होगी, योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवास है ना भारत, जो 100% सॉल्वेंट था वह इस समय 100% इनसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानी करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं। अकाल को तख्त सिर्फ यह मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इस समय इनका यह पाठ है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरी पॉइंट, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पालें। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। वरदान, अपने पूर्वज स्वरूप की समृद्धि द्वारा सर्वात्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। स्पष्टीकरण, इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा ही सर्वात्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो।
क्योंकि आप पूर्व जात्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं, वही मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। ओम शांति। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। एक मिनट के लिए संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को रोककर बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो। ये एक सेकंड का भी अनुभव सारा दिन अव्यक्त स्थिति बनाने में मदद करेगा। ओम शांति।